गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज विवेकानंद सिन्हा फ्रॉम फ्यूचर इन हैंड्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक्सेल का एक और इम्पॉर्टेंट एरिया कवर करने वाला हूँ, एक और क्रिएटिव एरिया कवर करने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, जब हम लोग एक्सेल में कमेंट्स में काम करते हैं, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक बोरिंग कमेंट को, एक ट्रेडिशनल कमेंट को, एक कन्वेंशनल कमेंट को आप अट्रैक्टिव बना सकते हैं और अमेजिंग बना सकते हैं। सो मैं बताऊंगा कि कैसे आप कमेंट्स में इमेजेस को यूज कर सकते हैं और थोड़ा सा वाव लुक दे सकते हैं। तो चलिए सिस्टम पे चलते हैं और देखते हैं ये अमेजिंग कमेंट्स। सो फ्रेंड्स, दिस इज द फाइल एंड दिस इज जस्ट अ सैंपल फाइल। यहाँ पर मेरे पास एक कमेंट है। नाउ इस कमेंट में मैं बैकग्राउंड में इमेज डालना चाहता हूं सो दैट इट लुक्स ऑसम। सो अगर आप इस कमेंट को देखेंगे तो बैकग्राउंड जो है दैट इज येलो। मुझे क्या करना है, मुझे कलर चेंज नहीं करना है। आई वांटेड टू कीप इमेज एज ए बैकग्राउंड ऑफ दिस कमेंट। लेट अस सी। सो फर्स्ट लेट मी शो यू द इमेज दैट आई वांटेड टू इंसर्ट इनटू दिस कमेंट। लेट अस सी। सो फ्रेंड्स, दिस इज द इमेज। लेट अस डबल क्लिक और देखते हैं क्या हो रहा है। सो दिस इज द इमेज जिसको मुझे यूज करना है। यू कैन टेक एनी इमेज एज एन एग्जांपल। सो व्हाट आई विल डू, आई जस्ट राइट क्लिक ऑन दिस वन। नाउ इफ आई एम गोइंग टू यूज लेटेस्ट वर्जन, तो कमेंट्स को नोट के नाम से जाना जाता है और कमेंट्स कुछ अलग है। तो आपके पास कमेंट या नोट जो भी है, जस्ट क्लिक ऑन एडिट। नाउ आई जस्ट सिलेक्ट द आउटर एरिया। मैं आउटर रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूंगा। I'll just right click and go to format comment. आप Ctrl+1 भी कर सकते हैं। Now here I am getting colors and lines. Here I am getting color, तो मुझे कलर में कुछ नहीं करना है, बट इस ड्रॉप डाउन में जाके I'll go with fill effects. अब fill effects में जैसे ही जाऊंगा तो यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे हैं। I'll go to this picture. ये काफी अंदर में ऑप्शंस है, बट you will be able to use it because simple steps हैं। I'll go with select picture. So let us click on this one, select picture. Now it's asking for multiple options. मुझे क्या करना है, I have to go with from file. Now I have to go to that location जहां पर यह इमेज मैंने सेव किया हुआ है। I'll select this, click on insert, wow, click on okay, click on okay, wow, perfect. अब मैं यहां पर कर्सर रखूंगा। Now the background image is coming. मैं चाहूं तो इसका साइज भी बढ़ा सकता हूं। Let us increase the size like this, wow. तो मैं जैसे यहां पर जाऊंगा इट विल ऑटोमेटिकली वर्क। तो ये नॉर्मल कमेंट की तरह ही है, बस इसमें बैकग्राउंड इमेज आ गया है। सो वाओ, इस कंसेप्ट को यूज करके आप कोई भी इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। इमेजिन कि आपने ये कमेंट अपने टीम से रिलेटेड कुछ लिखा हुआ है, तो आप अपने टीम का पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। मींस इस कंसेप्ट को यूज करके आपका रिपोर्ट प्रोफेशनल तो बनेगा ही बनेगा, साथ में क्रिएटिव भी बनेगा। ऑसम। सो फ्रेंड्स, आई होप यू एंजॉयड दिस ट्रिक एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू इंप्लीमेंट दिस ट्रिक इन योर ऑफिसेस। कमेंट्स को और अट्रैक्टिव बनाइए और अमेजिंग बनाइए और अपने बॉस को फैन बना लीजिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूले एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। सो फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज दिस इज योर चैनल और ऐसे ही हम अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, बहुत ही जल्द मिलता हूं एक और नए ट्यूटोरियल के साथ, एक और नए एक्साइटमेंट के साथ और एक और नए नॉलेज के साथ। टिल देन, टेक केयर, बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।